मास्टर बोलना सन्नी थे, बताओ हम भैंस क्यों पालते हैं। सन्नी बोलिया, मास्टर जी थारा तो पता नहीं तुमने भैंस क्यों पाल रखी, पर हमारे घर वालों ने तो हमने दुखी करण की जो भैंसे पाल रखी। शेरू बोलना, मैंने जाने का कल स्कूल। ताऊ बोलना, क्यों के बात, मास्टर ठीक नहीं पढ़ाता के। शेरू बोलना, के ठीक पढ़ावगा, सारी बार तो मारते पूछो जा, राम कौन था, बीरबल कौन था, सीता किसकी बेटी थी, उसने तो यूं भी नहीं पता। हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, वो भी कल मारते पूछने लायक रहता, हमने के घंटा पढ़ा देगा वो। एक ताई बोली छोरी ते, ए छोरी तेरी शादी होगी के। छोरी बोली, हाँ ताई शादी तो होगी। ताई बोली, छोरा के करे है। छोरी बोली, अफसोस करे है। मास्टर बोलना शेरू ते, मारे पूर्वज बंदर थे। शेरू बोलिया, मास्टर जी थारे पूर्वज होंगे बंदर, मारे तो राव जी थे, राव जी। जहां भी जाओ किस्से हैं घराली के, कोई घराली ने लाके रोन ले गया और कोई घराली ने लान के मारो रोन ले गया। दादा बोला पुत्ते ते, बेटा छुप जा, तेरी मास्टरनी आन लग रही। पुत्ता बोला, दादा तो भी छुप जा, मन ने तेरे मरण की खबर सुना के हफ्ते की छुट्टी ले रखी। डॉक्टर बोला रामलाल ते, रामलाल तू दारू पीनी छोड़ दे, मेरे की ढाल दूध पीने लग जा। रामलाल बोला, डॉक्टर साहब ठीक है, मैं थारे की ढाल दूध पीने लग जाऊंगा, डेली दूध पी करूंगा, पर तुम एक बार, बस एक बार मेरे की ढाल दारू पी के दिखा दो। आजकल कुत्तों की घनी इज्जत होने लाग रही। दो पड़ोसों के कुत्ते आपस में बात करने लाग रहे थे। पहला बोलना, हाँ भाई कैसे कटन लाग रही जिंदगी। दूसरा बोलना, भाई अपने तो मजे हैं, साले अपने आप को चाय पीने लाग रहे, पर मेरे को तो दूध में रोटी चूर के देने लाग रहे। अगर डॉक्टर लोग फिल्में बनाने लग जाते हैं तो फिल्मों के नाम कुछ इस तरह होते हैं, कभी खांसी कभी जुखाम, टीवी नंबर वन, कहो ना बुखार है, हम ब्लड दे चुके सनम, रहना है अब हॉस्पिटल में, दिल तो कमजोर है, एक बेड दो मरीज, एक मरीज 100 बीमारी, जिद्दी मरीज, मरीज 1 नंबरी, डॉक्टर 10 नंबरी, दिल वाले ऑपरेशन करवाने लाग रहे। एक पति ने पोस्ट करा फेसबुक पे, पंछी बना उड़ता फिरूं नील गगन में। तभी पत्नी का कमेंट आ गया, सब्जी लेके आ जाइयो अपने भवन में, वरना एक भी बाल नहीं पाने का थारे चमन में। पत्नी बोली पति ते, उठ जाओ जी मैं चाय बनाने लग रही। पति बोलिया, तो मैं कौन सा पतीली में सोन लग रहा, बना ले चाय। दूर बैठी पत्नी ने उंगली के इशारे ते पति को बुलाया। पति धुरा आके बोला, के काम है। पत्नी बोली, कुछ नहीं, अपनी उंगली की ताकत को चेक कर रही थी। एक बच्चा दुकानदार ते आकर बोला, अंकल जी गोरे होने की करीम है के। दुकानदार बोलिया, हाँ बेटा है। बच्चा बोलिया, तो लगाते क्यों नहीं, कितने काले हो, मैं हर बार डर जाता हूँ।